तो यह रक्षाबंधन की मेहंदी मेरी कल मुझे 31st है ना तो किसी भी हालत में भाई मतलब करना ही है मेरा रूम खाली। और अभी जो रूम का अपडेट है मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कोई भी लगेज नहीं बचा है अब कि मैं किस में सामान डालूं। इसके लिए मेरे पास अब कोई लगेज नहीं है, तो मेरी जो फ्रेंड है वो अपने कुछ बैग्स वगैरह मुझे देगी, तब जाके मैं लेके जा पाऊंगी। वरना मुझे लग रहा था मुझे खुद ऐसे ही उठा के ले जाना। वो बुक्स वगैरह को निकाल के मैंने डाला हुआ है मेरे बैग में, मतलब दो एलन का बैग था, दोनों के दोनों फुल हो गया है। ये मेरी रक्षाबंधन की मेहंदी, और वैसे तो यहाँ पे कोई है नहीं राखी, बट स्टिल लगता है कमी महसूस होती है, फिर भी मैं रेडी हो गई हूँ बिना मतलब का। पर ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा राखी बांधने के लिए। वैसे मेरी फ्रेंड का भाई आया हुआ है, छोटा भाई, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको ही राखी बांध देती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी अपने भाई को नहीं बांधा था, तो इस साल तो किसी ना किसी को बांध ही देती हूँ। अभी जो कंडीशन है रूम का वो बहुत ख़राब है, मैं आपको नहीं दिखा सकती, सॉरी। जब अब शिफ्ट होगा मैं तब ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि शिफ्टिंग में कितनी बैंड बच जाती है। फिलहाल तो अभी मुझे ये लाइट्स वगैरह निकालने हैं, ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ये सब निकालने हैं। अब कल का इंतज़ार है बस, अभी तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, और अब शिफ्टिंग के टाइम मिलते हैं गाइस, बाय। तो मैं फाइनली आ गई मेरे न्यू हॉस्टल, और ऑटो वाले भैया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया सामान वगैरह उठा के रखने में। फिर मैं सामान वगैरह लेके लिफ्ट से अपने रूम में चली गई। पूरी तरीके से बैंड बज चुकी है, मुझे इतना ज़ोर से भी प्यास लगा है, इतने ज़ोर से प्यास लगा है कि सामान, और अभी मैं शिफ्ट करती हूँ। गाइस दिस वर्क इज़ सो टायरिंग, मतलब वहाँ पे हॉस्टल में कुछ ऐसी बात बात भी हो गई थी, बट फिर लास्टली सॉर्ट आउट कर लिया। और ये रही चीज़, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का रूम गाइस, और ये है मेरा रूम, देखो आप, मैं आपको पूरा रूम का व्यू देती हूँ। ये बेड है, साइड टेबल, चेयर, देन स्टडी टेबल, रैक्स वगैरह, ये वार्डरोब है, ये रहा हमारा वॉशरूम, और ये मेन चीज़ जो चाहिए थी, बालकनी। फाइनली दिस रूम हैज बालकनी एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड मेरी दोस्त मेरी बहुत हेल्प की गाइज, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दो दिन से ये मेरा इतना सारा लगेज उठा के लाई है उस हॉस्टल से, ये देखिए आप कितनी मेहनती लड़की है ये, मेरे तो जीवन धन्य हो गया ऐसे दोस्त पा के। ये देखिए गाइज बैंडी बजी है पूरी, कुछ इस तरीके का रूम है मेरा, बहुत सही लगा मुझे तो। अब आप बताना आपको कैसा लगा। ये बैग्स वगैरह, ये देखिए कितने मुश्किल का काम कर रही है ये जबकि इसके पैर में चोट है, ये देखिए चोट, इतनी चोट होने के बावजूद ये इंसान मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू नेहा फौजदार। तो अभी के लिए सब
सारा सामान यहाँ रख के मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के रूम में, क्योंकि इस रूम में अभी सफाई वगैरह नहीं हुई है, तो मैं रात में उसी रूम में रहूँगी। ये जस्ट बगल वाले रूम है उसका। तो ये उसका रूम है, ये मेरा रूम है, और अभी मैं अपने रूम को मतलब ऐसी छोटी शिफ्टिंग बहुत मुश्किल टास्क होता है गाइज, मतलब एक इंसान के शिफ्ट करने में ना लग रहा है पता नहीं क्या क्या काम कर लिए, दुनिया के सारे काम कर लिए मैंने, ऐसा फील आ रहा है। और अभी पहले जा रही हूँ नहाने, उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। सो अटैच वॉशरूम ऑलमोस्ट हर हॉस्टल में देते हैं ये लोग, सारी की सारी फैसिलिटीज थे मैं, मतलब मुझे तो कोई भी ऐसे फ़र्क नहीं दिख रहा, एवरीथिंग इज़ फाइन। और उसको लगा देते हैं। द बेस्ट थिंग इज द बालकनी, मैं आपको यहाँ से व्यू भी दिखाती हूँ गाइस, दिस इज माय बालकनी, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, और ये देखो आप सनलाइट फ्रेश। हाय गाइस, तो अभी मेरे रूम में शिफ्ट हुए, एक दिन हो चुका है, लाइक जो भी मुझे बिल्स वगैरह पे करने थे और रेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी लेते हैं ये लोग, मैंने वो सब पे कर दिया। एंड अभी मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, इतनी ज़्यादा कि मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी सामान ठीक करने का, ये पूरे यहाँ पे स्टफ है, कैसे करूँगी यार। पहले तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जैसे कि मॉड्यूल्स वगैरह, ये सब मैं अरेंज कर लेती हूँ बुक शेल्फ में वहाँ पे, और उसके बाद जो बाकी का सामान होगा वो धीरे धीरे डे बाई डे मैं अरेंज करते जाऊँगी। बाय द वे, मुझे शू रेक चाहिए था तो वो मैंने आज ऑर्डर किया, और बाथरूम का शेल्फ वगैरह वो सब भी आज ऑर्डर किया है, पता नहीं कब तक आएगा। और मैं इस ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखा दूँगी, मतलब जब तक मेरा सब कुछ सेटल नहीं होता, ये रूम डेकोरेशन के लिए सेपरेट वीडियो। और गाइस देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉग शूट करने के लिए, एसी पंखा सब कुछ बंद ताकि क्लियर आवाज़ आ पाए, इतना आसान नहीं होता वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी फिलहाल मुझे ये जो बुक्स वगैरह मेरे मॉड्यूल्स 12th वाले, इनको सही जगह पे रखना है। सो लेट्स डू इट। सो गाइज, इतना काम करके मेरी हालत ख़राब हो गई, और फिर मैंने सोचा कि अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ, बाकी का काम मैं कल कर लूँगी, और मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। बाकी इतना काम करके मेरा रूम अभी ऐसा दिख रहा है, और मैंने जन्माष्टमी के लिए बैंगल्स और एक चप्पल टाइप लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक और प्यारे हैं वो, और मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कब पहनूँगी इनको। थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा कि कुछ ले लेते तो यूटेंसिल्स, मतलब रूम की तो अभी कुछ भी नहीं किया है ऑर्गेनाइज, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो वीडियो शूट करने के भाई टाइम नहीं मिल पा रहा। बट जब जब मैं रूम के ऊपर कुछ भी ऑर्गेनाइज या कर रही हूँ तो मैं शूट ज़रूर कर रही हूँ। और अभी तो मैंने ये लिया है मिस्टर DIY से, बाथरूम यूटेंसिल्स हैं और कुछ हैंगर्स वगैरह हैं कपड़े वाले, और अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। सो आई गॉट दिस सोप बॉक्स, और इसके साथ एक पीछे में वो चिपकाने वाला भी आता है, इसको निकाल लिया। देन ये लिया है टूथब्रश वगैरह रखने के लिए, एंड ये 6 हैंगर्स का सेट कॉम्ब, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो भी था वो मैंने हॉस्टल में छोड़ दिया, एंड ये वाला टेप लगाने से वो इंस्टॉल हो जाता है, तो अभी उसको लगाते हैं। सो पहले तो इसको लगाने का कोई जगह आई हैव टू फाइंड, सो आई थिंक ये वाला प्लेस बेस्ट रहेगा, क्योंकि शावर जब चलेगा तो पानी गिरेगा एंड फिर वो पानी सोप पे जाएगा और सोप पूरा पिघल जाएगा, तो इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। वाह यार, मेरे में कितना दिमाग है। अभी ये सारे कपड़े वगैरह सेट करने हैं, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक दो ट्रॉली तो मैंने अंदर रखा हुआ है।
एंड गाइज यू नो व्हाट, मेरी मामा ने मुझे इतनी बार कहा था कि प्लीज बार बार हर जगह चेक कर लेना रूम खाली करने से पहले। और मेरे कपड़े वहीं रह गए बालकनी में, मैंने डाले हुए थे, मतलब वैसे तो वो बालकनी थी नहीं बट कपड़े डालने के लिए था, और मैंने वहाँ पे 3 टॉप मेरे न्यू वहाँ पे डाले हुए थे और मैं लेना भूल गई। तो अभी वहाँ के एक फ्रेंड को मैंने कहा है कि वो कपड़े लेके रख ले वार्डन को बोल के, एंड वार्डन इतनी ज़्यादा बिजी है कि वो कपड़े अभी दे भी नहीं रहे। लिटरली गाइस मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, लड़कियों को जितना भी मिले वो कम होता है अब मुझे पता चला। अभी मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए हैं तो मैं कपड़े चेंज करूँगी। एंड आई गॉट अ न्यू ट्राईपॉड, मतलब छोटा सा वो सेल्फी स्टिक टाइप, जिससे कि मैं अच्छे से ब्लॉग कर पाऊँ क्योंकि मेरा हाथ दुख जाता है गाइस ब्लॉगिंग करते करते। मैं वो भी दिखाती हूँ बट उससे पहले मुझे जाके खाना खाना है, डिनर का टाइम हो गया, 8 बज चुके हैं, उसके बाद मैं रूम अरेंज करूँगी। और ये है हमारे मेस का खाना, मैंने खाना देखा तक नहीं किया है, बस टूट पड़ी खाने पे इतना ज़्यादा भूख लगा था। और फिर मैं गई मेरे रूम में, वहाँ मेरी फ्रेंड थी जो मेरे सारे सामान को छेड़ रही थी, मैं उनको ऑर्गेनाइज कर रही थी और वो निकाल निकाल के अपने बालों पे लगा रही थी, मतलब हद है यार। और उससे बकवास बातें करते करते मैं अपना काम कर रही थी, ये बहुत ही बेकार काम है गाइस, ऐसे कपड़े फोल्ड कर करके वो भी इतने सारे रखना, लेकिन वो साथ में थी तो बात करते करते कब टाइम बीत गया क्योंकि वो इतना बकवास और हंसी मजाक वाली बातें कर रही थी। तो मैं बस कपड़े फोल्ड करे जा रही थी और वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, ये नहीं हुआ कि आके हेल्प कर दे थोड़ी बहुत, वो उसके पैर में चोट है बस उसी का फ़ायदा उठाती है। और बहुत 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 मैं इरिटेट हो चुकी थी गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सो गाइस अभी मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी है, इस पूरे व्लॉग में मेरी हालत बुरी ही हुई है क्योंकि शिफ्टिंग एक बहुत मुश्किल और बहुत ही टफ काम है, और जब आपको सारा सामान वगैरह शिफ्ट करना होता है तब आपको पता चलता है कि आपके पास कितने सारे सामान हैं और आप उनको कैसे अपने रूम में ठूस ठूस के रखते हो। तो गाइस फाइनली मैंने सब कुछ अरेंज करके रख दिया है, अब बस मेरा शू रैक आ जाए जिससे कि मेरे सारे स्लीपर सब कुछ ऑर्गेनाइज एक जगह पे रहें, और जो बाथरूम रैक्स वगैरह है वो आ जाए ताकि मैं बाथरूम के जितने भी शैम्पू एंड कंडीशनर वगैरह वगैरह चीज़ें हैं बाथरूम वाली वो सारी वहाँ पर रख दूँ। फिलहाल के लिए तो मेरा रूम बिल्कुल सही हो गया है, अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अरेंज किया। जब मेरा रूम पूरा मेसी था तब से मैंने दिखा रही हूँ, और अब जब मैंने यहाँ के सब कुछ अरेंज कर लिया, नॉट दैट डेकोरेशन वगैरह, सब कुछ सिंपल है, बस सब कुछ अपने जगह पे रख दिया है, और बाकी मेरे कपड़े वहाँ पे छुटे हुए हैं पुराने वाले हॉस्टल से, वो मुझे लेके आने हैं क्योंकि वही 2-3 मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। तो अभी मैं आपको मेरा कमरा दिखाती हूँ। वेलकम मेरे नए कमरे में, ये पूरा 360 डिग्री व्यू है, ये सब आपको पता ही है क्या है, बालकनी बाथरूम देन सब कुछ अब ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे आप एंट्री लोगे यहाँ पे बस मेरी 2 बैग्स है, कोई भी अभी कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं टांग रखा है, टॉवल वहाँ पे मेरे बैग, स्टडी टेबल इसके अंदर भी कुछ भी नहीं रखा है, बाकी यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है, ये सब बस अभी डब्बे से निकाल के कैसे भी रख दिया है। और इधर मेरे जो बुक्स कल मैंने अरेंज किए थे ये रहे और बाकी सारे मैंने बैग में करके रख दिए हैं। यहाँ पे मेरा टैब वगैरह जो भी है, ये जो आज मैं लेके आई हूँ बाथरूम के लिए, और ये गाइस जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, और इसमें लाइट भी जलती है, मैं बताती हूँ कैसे, ये देखो गाइस इसमें 2 मोड है, लाइट भी जलती है और ये लंबा भी हो जाता है जिससे हम व्लॉग शूट कर सकते हैं, और अब से मेरे सारे नए व्लॉग इसमें शूट किए हुए आएंगे। तो इसको अभी बंद कर देते हैं, बंद हो जाओ, उसको यहाँ रख दो, देन अभी तो फ्लोर वगैरह बहुत गंदा है और वहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है, ऐसे बॉक्स निकालने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे मैंने वायर्स वगैरह जो भी केबल्स हैं वो रखे हैं, और ये बाथरूम वगैरह का है, ये लॉन्ड्री बैग है, और ये मेरा कबर्ड बड़ा सा, ऊपर में भी स्टोरेज है, आप ऊपर में भी रख सकते हो, बट अभी मेरा यही फुल नहीं हुआ है तो मैं कहाँ से रखूँ। ये देखिए ये अभी मैंने कैसे भी करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे और हैंगर चाहिए थे जो कि है नहीं, और ऊपर में मेरे यूनिफॉर्म वगैरह और जो भी बेकार के फालतू सामान है वो सब है, और इधर मेरे सारे कपड़े, और ये तो मैं दिखाना ही भूल गई। सो गाइस ये वाला स्पेस है जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ शैम्पू वगैरह, डिटर्जेंट पाउडर, ये आई शेडो पैलेट है, इसके नीचे ज्वेलरी बॉक्स है बड़ा सा, ये रहा ज्वेलरी बॉक्स,
इसमें बिंदी वगैरह सब कुछ है, ये वेट वाइप्स वगैरह, और इसमें सारे मेरे नेल पेंट और मेकअप ब्रशेस हैं, हॉट वाटर बैग, देन परफ्यूम, आइस रोलर, ये मेकअप का सारा सामान टूस टूस के रखा हुआ, और इसमें भी जो सामान वगैरह होते हैं वही है। देन ये खाली बैग है, यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड का स्टैंड है, इसका ना वो ऊपर का टूट गया है, जो मोबाइल होल्डर होता है वो टूट गया है, जिसकी वजह से मुझे अभी नया लेना होगा, एंड ये सारे स्लीपर्स, इसीलिए मुझे इसको ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत है। तो ट्राईपॉड की वजह से मैं पूरा एकदम अच्छे से सब कुछ शिफ्ट करते हुए नहीं कर पाई, बट मुझसे जितना भी हो पाया मैंने कर दिया। एंड ये रहा मेरा बालकनी, शूट करते वक्त गाइस सब कुछ बंद करना पड़ता है, दिस इज द बालकनी, और रात का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द नाइट व्यू फ्रॉम माय हॉस्टल। अगर आप मेरा रूम देखोगे तो कुछ इस तरीके का है, अभी कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा, रूम अरेंज करने का इतनी मुश्किल से टाइम मिला। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, लाइक इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल दिखाया गया है कि कितना ज़्यादा शूटिंग में स्ट्रगल आता है, बहुत मेहनत लगती है। तो कैमरे में मैं सब कुछ शूट, लाइक कैमरे में मैंने 50% और 40% शूट किया, बाकी 60% जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, इतना बुरा हाल जो मैं कैमरे में भी नहीं दिखा सकती थी। अब से डेली शॉट्स वगैरह सब कुछ आएंगे, तो जस्ट कोऑपरेट करिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, काफ़ी प्रेशर है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट में ये मत लिखना कि तुम पढ़ाई नहीं करती, तुम बस रूम शिफ्ट करती हो, बहुत प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और भाई जिसके साथ होता है ना उसी को पता चलता है, ठीक है? तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी बोल लो, जो भी बोल लो, आई नो माय सब्सक्राइबर्स, दे लव मी एंड दे सपोर्ट मी, और जो भी हेटर्स वगैरह हैं उनके लिए भी ढेर सारा प्यार, आप लोग कमेंट करते रहिए। आई होप मैं उस लाइक बन पाऊँ कि मैं आप सबका जो प्रोस्पेक्टिव है वो चेंज कर पाऊँ, और अगर मेरा 100% देने के बाद भी मैं आप लोग का थिंकिंग चेंज नहीं कर पा रही हूँ, देन आई रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, आई डोंट केयर। इतनी गंदी गंदी गर्मी है, मैं पूरे पसीने में नहाई हुई हूँ, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। एंड या गाइज दिस वॉज सो मच हेक्टिक ये पूरा ब्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, और प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो यार, आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ इम्प्रूव करते जाऊँ और ये जर्नी को और ज़्यादा अच्छा बनाऊँ आप सबके साथ कनेक्ट होके। लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।